हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज बच्चों हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। और सारे लेक्चर जो है बच्चों एक प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। अगर आप कोई सा भी लेक्चर ओपन करोगे तो सारे लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी का लिंक ना मिले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी जो है आप मेल एड्रेस कर सकते हैं हमको। आपको आपके मेल एड्रेस पे सारे नोट्स जो है वो दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोस, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज एंड एनिमल। बच्चों छोटे छोटे टॉपिक कवर करने का मेन जो एम्बिशन है ना वो यही है कि आपको हर टॉपिक जो है बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है ना बच्चों, इतना मतलब टफ सिचुएशन चल रही है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों, सबसे हमारा पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 23, जहाँ पर लिखा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोस, वहाँ पर पैथोजेंस एक वर्ड लिखा गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे इस पैराग्राफ की, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों पैथोजन होता क्या है। तो बच्चों इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जर्म, यानी ऐसे जर्म या ऐसे पैथोजेंस जो बीमारी फैलाने का, इन्फेक्शियस डिजीज फैलाने का कारण बनते हैं। व्हेन योर मॉम से, जब आपकी मदर आपको बोलती है कि वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो, क्यों बोलती है वो? बिकॉज ऑफ जर्म शी वॉन्ट्स यू टू गेट ऑल द पैथोजन ऑफ योर हैंड सो दे वोंट गो इन टू योर माउथ एंड बॉडी। तो जब आप अपने हाथ धोगे तो आपके हाथ में जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बीमारियां फैलाने वाले जो पैथोजेंस हैं, वो आपके हाथों से चले जाएंगे और आपके हाथ के रास्ते से वो मुंह में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद आप ज़्यादा सतर्क रहोगे, और अभी तो खैर कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो अभी तो आप और भी ज़्यादा सतर्क होंगे और होना भी चाहिए, ठीक है। तो पैथोजेंस आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पैथोजन क्या है? बिल्कुल, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में घुस जाते हैं और हमको बीमार बनाते हैं। अब ये पैथोजेंस क्या क्या हो सकते हैं? ये पैथोजन वायरस हो सकते हैं, ये पैथोजन बैक्टीरिया है, ये पैथोजन पैरासाइट्स है, फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी में घुसकर हमको ही बीमार कर देते हैं। तो बच्चों सम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये बीमारियों के को हमारी बॉडी में फैलाते हैं। ना सिर्फ ह्यूमन में, ये प्लांट और एनिमल में भी डिजीज का कारण बनते हैं। तो ये जो डिजीज कॉजिंग एनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हीं को ही पैथोजेंस बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। कुछ एक जैसे चमड़े की चीज़ें आपने देखी होगी, लेदर की चीज़ें देखी होगी, क्लोथ्स देखे होंगे, ठीक है, इनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण इनकी क्वालिटी जो है वो धीरे 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 करके खराब होती जाती है। समझ में आया आपको? चले आगे। अब यहाँ पर देखो कि कई बैक्टीरिया जो है, कई बार हमारे दांतों में जो है बच्चों क्या हो जाता है, फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं। प्रॉपर ब्रश नहीं करना, ये सबसे बड़ा एक कारण होता है। तो क्या होता है, हमारे जो फूड पार्टिकल्स हमने खाने के द्वारा लिए, खाना लिया और उसके कुछ पार्टिकल जो है हमारे दांतों में फंस गए, तो जिस कारण जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है उस दौरान वो एक एसिड रिलीज करता है, तो जिस कारण हमारे टीथ का जो अपर लेयर इनेमल होता है वो धीरे 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 करोड़ खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जो कारण बनता है बच्चों कैविटी का, ठीक है।
और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये वाला टॉपिक समझ में आया? ठीक है, यानी हमने क्या बोला, हमने यही पढ़ा कि जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उसके कुछ पार्टिकल जो है बच्चों हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया होता है वैसे हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है वो, ठीक है, क्योंकि सलाइवा उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बच्चों अगर हम प्रॉपर ब्रश ना करें तो हमारे दांतों के ऊपर एक येलो कलर की लेयर चढ़ जाती है, और बैक्टीरिया जब उसी लेयर में फंस जाता है और फूड पार्टिकल भी उसी में ही अटक जाता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, वहां पर एक लिक्विड सब्सटेंस जो है, एक एसिड जो है वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, तो जिस कारण वो टीथ की अपर लेयर यानी इनेमल को धीरे धीरे करोड करता है, जिसके कारण हमारे दांतों में बच्चों कैविटी हो जाती है। इतना ही कहर अभी काफ़ी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और भी अभी आपको पढ़ना है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर बॉडीज में होते हैं बच्चों, जहाँ पर वो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम कर देते हैं, और जिसके कारण जो समुद्री या फिर बोल सकते जो पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन। अभी हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमन। अब सबसे पहले बच्चों इसमें जो चीज आ रही है ना वो आ रही है टॉक्सिन। पहले टॉक्सिन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो टॉक्सिन क्या है बच्चों? एक पॉइजन है, एक हानिकारक, एक हार्मफुल मटीरियल है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब हार्मफुल है, यानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारी बॉडी के लिए यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, यानी पॉइजन ही है। तो पॉइजन यानी एक जहर है, यानी जो हमारी बॉडी जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करती है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो बच्चों अपने पूरी लाइफ टाइम में हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी पर कुछ अच्छा तो नहीं लेकिन बुरा प्रभाव बहुत छोड़ते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और अपनी ग्रोथ को हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी मल्टीपल यानी बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर तेजी से बढ़ते हैं, और जब और कई बार क्या करते हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ हानिकारक यानी कुछ हार्मफुल मटेरियल रिलीज करते हैं जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं रहता है, और हमारी बॉडी इन्हीं टॉक्सिन के कारण बहुत सारी डिजीजेस से सफर होती है, हमें मतलब बहुत सारी बीमारियां लगती है इन्हीं टॉक्सिन के कारण। और ये टॉक्सिन कौन रिलीज करते हैं? ये टॉक्सिन जो है यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं कि बच्चों कुछ एक डिजीजेज ऐसी होती है, हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो बच्चों कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है बच्चों, एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब डिजीज एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है, स्प्रेड होती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम लिखेंगे कि डिजीज, आपकी बुक में भी है, आप उसको वहीं से अंडरलाइन कर सकते हो, है ना, विच कैन, नहीं आप वीडियो पॉज कर लेना, वहां से आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और बच्चों ये जो नोट्स होते हैं ना बड़े ज़रूरी होते हैं, एग्जाम टाइम में क्या होता है हम पूरी पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते, तो उस टाइम हमारे को सिर्फ बहुत ही ज़रूरी जो अपने नोट्स हमने बनाए होते हैं पूरे साल भर मेहनत करके, वही पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ऐसी डिजीजेज जो हेल्दी पर्सन से, सॉरी जो इन्फेक्टेड पर्सन से
हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, स्प्रेड होती है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब बच्चों ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से, एक बीमार आदमी से एक हेल्दी पर्सन में किन किन चीज़ों से फैल सकती है। एयर से हो सकता है, वो वाटर से फैल सकती है, वो फूड से फैल सकती है, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, इसके अलावा वो इंसेक्ट से भी फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया की, तो ये ऐसी डिजीज़ है कि जब इससे यानी इसका जो कोई पेशेंट होता है या कोई मरीज होता है जिसको ये बीमारी लगी है, अगर वो स्नीज, छींक या कफ या खांसता है तो मौजूद जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है पानी के जो बूंदे उसके मुंह से नाक से निकली, तो उसमें जो होते हैं बच्चों जर्म्स की मात्रा होती है। और जब किसी साथ में इसका कोई हेल्दी पर्सन है उसने वहीं से ही इनहेल किया, मौजूद जो वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है उसको वहाँ पर उसने इनहेल किया, तो ये जो जर्म्स है बच्चों इसकी बॉडी में भी चले जाएंगे, जिस कारण वो हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इन्फेक्टेड किसके कारण होगा, वो इस पर्सन के कारण। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी हमको खांसी आती है, जब भी हमको छींक आती है, तो उस दौरान हमको अपने मुंह पे हैंकी, रुमाल या हाथ रख लेना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे पास है ओपन होके, यानी एकदम बिना हाथ मुंह को ढके हुए खांसना और छींकना नहीं चाहिए। समझ में आया? चलिए, इसके अलावा जो खराब खाना होता है बच्चों उससे भी हमारे को कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ताज़ा खाना खाइए, साफ खाना खाइए और सबसे पहले हेल्दी खाना खाइए, तभी आप जो है वो स्वस्थ रह पाओगे। समझ में आया? तो इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं बच्चों जो अलग अलग तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, जिसके कारण मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी यानी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। बहुत बड़ी यानी अब तो इसका इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिजीज उसके कारण हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एडीज मॉस्किटो की, जिसके कारण डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। उसके बाद हम करते हैं बात रैट फ्लू की, जिसके कारण प्लेग जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिख लेते हैं कि कॉमन कोल्ड और कंजक्टिवाइटिस, ये जो डिजीजेज है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कॉन्टेक्ट से, यानी एक पेशेंट है, अगर एक मरीज है, एक बीमार आदमी है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इसके कॉन्टेक्ट में कोई आता है तो ये डायरेक्टली भी हो सकती है उसको और इनडायरेक्टली भी उस सेकेंड हेल्दी पर्सन को ये हो सकती है, यानी इसके दोनों ही कारण हो सकते हैं। यानी ये डायरेक्ट में अगर सामने आएगा तो भी हो सकती है और इनडायरेक्ट अपने आप ही ये जो डिजीज है वो हो सकती है, अगर कुछ चीज़ों का सावधानी ना रखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती है वो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ये हमने पढ़ा। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैक्टीरिया से, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी डिजीज़ जो होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया और बाकी आपके सामने लिखा हुआ है कोलेरा, टेटनस, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ जो है वो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस, और बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हो सकती है। ठीक है, होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंगी, उसके बाद हम ये देखिए कि उससे जो है वो किस तरीके की जो है वो डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर एथलीट्स फीट कुछ डिजीज इस तरीके की होती है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन से कौन सी डिजीज होती है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो मलेरिया हो गया, यहाँ पर देख सकते हो डायसेंट्री हो गया। तो इस तरीके की जो डिजीज है इसके जो कॉज होते हैं, इसके जो जहाँ से ये फैलती है वो प्रोटोजोअन होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस तरह से ये डिजीज फैली। तो सबसे पहला जो पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एयर। तो जब भी कोई पर्सन बच्चों छींकता है,
स्नीजिंग या कॉफिंग खांसता है तो उससे होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी बुक में भी लिखा गया है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां जो है वो एयर से ट्रांसमिट होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर में क्या होता है, वाटर यानी कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी पीने से, तो इनसे जो बीमारियां होती है वो आप देख सकते हो, टाइफाइड। फिर हम बात करते हैं सॉइल। सॉइल यानी कि हमने बाहर से फूड आइटम लेके आए, हमने उसको प्रॉपरली धोया ही नहीं, प्रॉपरली हमने उसको वॉश नहीं किया और वैसे ही उसको हमने खाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसी जो डिजीजेज है वो है टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट आती है एनिमल्स, यानी एनिमल्स यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यानी जैसे अगर आपको कोई डॉग काट ले जो पहले से ही जो है एक रैबिट डॉग हो, ठीक है, पहले से किसी बीमारी का शिकार हो। फिर हमने इंसेक्ट के बारे में, तो मलेरिया का तो पीछे हमने देखा था कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, देखा था ना, फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनिमल्स के कारण हमारे को कौन कौन सी जो है वो डिजीज हो सकती है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों कि डिजीजेस तो होगी लेकिन इनका प्रिवेंशन भी तो होगा, इनका क्योर करने का भी तो रास्ता होगा, तो बिल्कुल है दोस्तों कि हम इन डिजीजेस को क्योर भी कर सकते हैं। तो कुछ एक मेथड पढ़ेंगे हम, तो पहला मेथड है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में हम फुल वीडियो और फुल डिटेल देख चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो वैक्सीनेशन जहां पर इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर वैक्सीन यानी एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, तो इनसे कौन कौन सी आपकी डिजीजेस को क्योर होगी तो आप यहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद उसको लिख सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पोलियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है, हमारी जो नेक्स्ट प्रिवेंशन का मेथड है वो है बच्चों, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, मॉस्किटो इनको क्या बोलेंगे, रिपेलेंट्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा मॉस्किटो, क्या है ये, नेट्स, मॉस्किटो नेट। तो यहां पर ये भी क्या करता है कि मॉस्किटो की ग्रोथ को कम करता है, यानी अंदर नहीं आने देता, अगर आप अंदर सोए तो आपको मॉस्किटो नहीं बाइट करेगा, और ये भी अगर आप यूज कर दो तो आपके आसपास जो है वो मॉस्किटो नहीं आएंगे, तो जिस कारण आप इन बीमारियों से जो है वो बच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ मेथड है कि जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, उसका प्रॉपरली डिस्पोज हो कहीं पर। दूसरा, कंटेमिनेटेड जो वाटर है उसकी जगह हम साफ पानी यूज करें तो हम कोलेरा जैसी बीमारी से जो है बच्चों बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन, दूसरा जो हमारा प्रिवेंशन का मेथड है, इसके कारण हम रिंग वॉर्म और एथलीट फूड, ये हमने पीछे देख लिया था किस तरीके से दिखता है एथलीट्स फूड, यहाँ पर हम देखेंगे रिंग वॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, इन बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं अगर हमारा अच्छे से हम अपनी बॉडी का क्योर करते हैं, अपनी बॉडी की अच्छे से देखरेख करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन एनिमल। तो बच्चों बहुत सारे आपने बहुत बारी सुना होगा रैबिस के बारे में जो डॉग के कारण फैलती है, ठीक है, और फुट एंड माउथ डिजीज जिसके कारण कुछ इस तरीके की होती है बच्चों ये, ठीक है, ये डिजीजेस जो है ये कैटल में पाई जाती है, और ज्यादातर इन जो बीमारियां है ना ये डोमेस्टिक एनिमल, इससे ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल जो है इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं एनिमल, ठीक है, और इनके कारण क्या होता है कि अगर ह्यूमन भी इन अपने पेट्स जो जिनको पहले से बीमारी लगी हुई है उनके अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो वो इंसान भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, अपने जो आपके पेट है उनको समय समय पर वैक्सीनेशन आपको लगवाते रहना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज की और फिर वो किन के कारण और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किन के कारण वो फैलती है और उनसे कौन से जानवर जो है वो प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में। इसका जो फैलने का कारण है वो बैक्टीरिया है और जो जिस एनिमल को ये होती है वो है कैटल।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज, ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण, और ये किसको होती है, कैटल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैबिज, रैबिज होती है वायरस के कारण, ये जनरली डॉग्स एंड मंकीज में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होती है, और बैक्टीरिया के कारण ये कैटल और जो पोल्ट्री वाले जो एनिमल्स है उनको ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंगवॉर्म की, रिंगवॉर्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसके फैलने का कारण है वो है फंगई, और ये होती है कैटल और किसमें, पोल्ट्री एनिमल्स में, जो देख सकते हो आप इनके बॉडीज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर देख रहे होंगे आप एस्पैरिगिलोसिस, ठीक है, और ये इसका मुख्य कारण है फंगई, और ये जनरली होता है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर पोल्ट्री एनिमल्स में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कैनाइन डिस्टेंपर, इसका मुख्य कारण है वायरस, और ये जनरली होता है, ये देखिए आप डॉग्स में। तो हमने कुछ एक ऐसी जो आपके बुक में टेबल दिया था बच्चों, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा, क्योंकि कई डिजीजेज ऐसी थी शायद आपने नहीं देखी थी, तो यहाँ पर आपको देखने से मतलब दिमाग में जितनी हम विजुअल चीज़ें देखते हैं वो जल्दी हमारे दिमाग में जो है वो हम उसको रिमेम्बर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर 4 जो होता है बच्चों फिनिश, और अब हम लास्ट लेक्चर उठाएंगे लेक्चर नंबर 5, और फिर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो तब तक आप रिविज़न करिए, और रिविज़न करते करते अपने नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।